काफ़ी यूट्यूबर्स ने आपसे ये बात ज़रूर कही होगी, अपनी रील वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को समझना। अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ जाते हैं, आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है इस बात को समझ जाते हैं और उस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, देन चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे आपकी रील वीडियो तेज़ी से वायरल हो सकती है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आपको बहुत ही कम लोग ये बताएंगे कि भाई हमें अपनी ऑडियंस को समझना कैसे है, क्योंकि यही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑडियंस को अगर आप समझ जाते हैं तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपनी ऑडियंस को किस तरीके से समझ सकते हैं, हमारी ऑडियंस एक्चुअल में क्या देखना पसंद कर सकती है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक डोंट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे फॉलोअर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई कंटेंट डालते हैं तो उसमें इनिशियल बूस्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस टाइप का कंटेंट आप डालते हैं वो ऑलरेडी उन्हें पसंद है। एंड वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। इनिशियल टाइम पर जब इतना ज़्यादा एंगेजमेंट यहाँ पर मिलता है तो इंस्टाग्राम को एक ग्रेट सिग्नल जाता है, बहुत ही अच्छा सिग्नल जाता है कि भाई इस कंटेंट में बहुत ही दमदार चीज़ है, इसलिए इस पर इतने ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं एंड शेयर्स आ रहे हैं। सो इनिशियल पॉइंट में स्टार्टिंग के एक दो घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा देखने लायक चीज़ है, तो उस वीडियो को इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और नए लोगों तक पहुंचाता है, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है रील वीडियो वायरल होने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी ऑडियंस को समझना। आप अपनी ऑडियंस को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, पोल स्टिकर वाली स्टोरी। यहाँ पर आपने चार ऑप्शन दे देने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट निश के, एंड अपनी ऑडियंस को पूछना है आपको कौन सी कैटेगरी वाली रील्स पसंद है, कौन सी कैटेगरी वाला कंटेंट पसंद है। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस पर जिस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए होंगे आप समझ जाएं आपकी ऑडियंस को वही ज़्यादा पसंद है, नेक्स्ट टाइम आप उन रील को ट्राई कर सकते हो जिस पर सबसे ज़्यादा आपको वोट्स मिले होंगे। सेकेंड चीज़, आपको अपने प्रीवियस कॉन्टेंट को एनालाइज करना है, जितने भी कॉन्टेंट आपने पीछे डाले हैं सबको एक बार ज़रूर देखना है, उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट रील्स आपकी थी जिसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले थे, लाइक्स मिले थे, कमेंट्स मिले थे, शेयर्स मिले थे, जिसमें सबसे ज्यादा एंगेजमेंट था, जिसकी सबसे ज्यादा रीच थी। सो इस प्रोसेस से भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा आपकी ऑडियंस मैक्सिमम किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करती है, किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तीसरी चीज, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इससे आप अपनी ऑडियंस को और अच्छे ढंग से और बेटर तरीके से समझ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप वीकली रील्स डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने वीकली 3 रील्स डाली है तो वो 3 रील्स डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज की आप डाल सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट निश के 3 रील्स डाले, अगर आपके निश में भी बहुत सारे सब निश हैं, सब कैटेगरीज हैं, तो आप इस तरीके से भी सब निश भी डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हो अपनी ऑडियंस को समझने के लिए। तो जिस पर भी आपको अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं, देन आप समझ रहे हैं आपकी ऑडियंस उस टाइप के रील्स, उस टाइप का कॉन्टेंट ज्यादा देखना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम पर आप इस तरीके से नेक्स्ट रील डाल सकते हो जो आपकी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। चौथा तरीका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अपनी ऑडियंस को समझने के लिए। ये तरीका एग्जैक्टली हमें ऑडियंस का इंटरेस्ट तो नहीं बताता, लेकिन ऑडियंस का बिहेवियर हमें बता सकता है। अगर हमें ऑडियंस का बिहेवियर पता होगा तो उस तरीके से उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अपनी रील को क्रिएट कर सकते हैं, अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा कंटेंट तेजी से वायरल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल का बच्चा है और एक 50 साल का बुजुर्ग है, दोनों को समझाने का तरीका हमें डिफरेंट लगाना पड़ेगा। 5 साल के बच्चे को समझाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, अगर मैं किसी बुजुर्ग को समझा रहा हूं तो उन्हें समझाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अगर यही ऑडियंस का बिहेवियर आपको पता चल जाए तो आप उनके अकॉर्डिंग कंटेंट को क्रिएट करोगे, जिससे पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी रील वीडियो वायरल होने की। सो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है, अगर आपको अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को समझना है तो उनकी एज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी ऑडियंस की एज पता करने के लिए आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आना है, देन यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर सी ऑल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर टोटल फॉलोअर्स का ऑप्शन दिखेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एज रेंज का ऑप्शन मिलेगा, जिसे देखकर आप क्लियरली पता कर पाएंगे आपकी ऑडियंस मैक्सिमम कितनी एज की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मैक्सिमम ऑडियंस जो है, मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स जो हैं वो 18 साल से लेकर 24 साल तक है। सो यहाँ पर मेरी जो ऑडियंस है वो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, सो मैं अपने कॉन्टेंट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करूंगा जो उनके लिए बेटर हो। अगर मेरी ऑडियंस 40 प्लस एज की है तो मेरा कॉन्टेंट भी मॉडिफाई हो जाएगा उनके एज के अकॉर्डिंग। आई होप अब आपको अपनी ऑडियंस को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने कॉन्टेंट को
डालिए जिससे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी रील वीडियो वायरल होने की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।